एक लाख जीते कैसे, 5,000 तो जीती, लेकिन जीतना तो तय है, हरा नहीं कोई पाएगा। तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप लोगों से बात भी नहीं करते, फोन में लगे रहते हैं, कुछ इस तरह की भी चर्चाएं चलती जनता के बीच। चुनाव में तो 7 सीटें सपा की हैं, ये क्लियर है, प्रयास कर रहे हैं लेकिन जीतेगी नहीं, कभी नहीं जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी। 10-20 हज़ार का अंतर हो जाएगा, 20,000 से कम जीतेगी। इतना फर्क पड़ेगा, दशा ये है कि लड़ रहे तो गोबर फेंक रहे, पेट कच्ची पड़े रहे। 70,000 घोसी, 50,000 कमरिया, कमरिया में हर गांव कभी वोट नहीं मिलता था, वोट तो काफी है भाजपा का, भाजपा भी यार नजीती कभी नहीं जीते। हम इतना बता सकते हैं कि हम लोग आने वाले समय पे 20 तारीख को साइकिल की बटन दबाएंगे। घोसी कमरिया वादी की जो चर्चा चला करती है वह उसका असर अनिल प्रताप के साथ है। ये नेताजी का क्षेत्र, ये तो लोग सारे लोग फालतू में लोग घूम रहे हैं, नेताजी ने विकास किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों को लेकर जमीनी कवरेज अमर उजाला ने अपनी शुरू कर दी। हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर हैं और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के हर कोने को जोड़ते हैं। अब जब प्रदेश के हर कोने में अलग अलग विधानसभाओं में उपचुनाव हैं, तो जमीन पर उतरकर ये जानना जरूरी है कि आखिरकार किस विधानसभा सीट का मिजाज क्या कहता है। तो आइए आपको हम लिए चलते हैं करहल, जहां पर दो बड़ी पार्टियां, दो बड़े उम्मीदवार आमने सामने हैं, बाकी कुछ पार्टियां भी हैं। एक ही बिरादरी से, एक ही परिवार और एक ही घर से आने वाले इन दो उम्मीदवारों पर करहल की जनता क्या सोचती है, अमर उजाला के इस खास वीडियो में आप देखेंगे। दिखाते हैं आपको करहल से ये ग्राउंड रिपोर्ट। पीछे से गोबर भी कर रहा है तो यहाँ दशा ये कि लड़ रहे तो गोबर फेंक रहे, पेट कच्ची पड़े रहे। वोट तो काफी है भाजपा का, भाजपा भी यार नजीती कभी नहीं जीतेगी कोई पार्टी। मतलब ये उनके पास सबसे अच्छा मौका है, नहीं तो नहीं। बात भी चलते हैं, उसका उसका कर्म क्षेत्र गौरव रहे जी, विधायक रहे, प्रमुख रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, बनवाने के ऊपर सभी जो घोसी कमैया का वातावरण जनता है, 70,000 घोसी, 50,000 कमरिया, कमरिया में हर गांव कभी वोट नहीं मिला था। अरे चुप ना, छोड़ा गई नहीं, बंद बोलने कुछ ना कुछ मिलेगा, मिल रहा है। मैं क्षेत्र की नौकरी करते रहे, हमें जितना जानकारी है, प्रयास कर रहे लेकिन जीतेगी नहीं, कभी नहीं जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी, यहाँ से कितना भी प्रयास कर ले लेकिन जीतेगी नहीं। कारण नहीं जीतेगी ना, यहाँ ऐसा है ना, यहाँ पे सपा का वोट बैंक है, दबाव में नहीं रहते, वोट बैंक है यहाँ पे। बीजेपी अभी भाई जीते, 10-20 हज़ार का अंतर हो जाएगा, 20,000 से कम जीतेगी। इतना फर्क पड़ेगा लेकिन, मतलब आप बोल रहे हो वोट बढ़ सकता है लेकिन जीतेगी जीतेगी नहीं, तो वोट बढ़ सकता है ना, कोई पंडित है ना कोई जो विद्वान है भाई पंडित है, नहीं नहीं आपके यहाँ आपकी आंखों में मजा इस बात का घिरा गया आज बहुत दिन बाद, लेकिन कोई दबाव नहीं है, तुम्हारी हाँ बस गाड़ी जाने नहीं देंगे, बाकी दबाव नहीं, बाकी कोई दबाव नहीं। उन्होंने क्या बोल दिया, 25 साल नौकरी करते हो गया मुझे बोल दिया, पहले पूरा बोल दिया, पूरा आंसर निकाल दिया महाराज जी, पूरा आपके मन की ये बोल रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं, इनकी सुनो, रियल बोल रहे हैं। अगर ये अभी थोड़ी देर में उल्टा बोलने लगे जो बोले और ये इनका बोलने लगे तो आप इनकी सुनने बोलोगे, नहीं है 20 में चुनाव हाँ यहाँ पड़ेगा भैया, उसके बाद जब मत खुलेगा तब आप देख ले, 7 सीटें सपा की हैं, ये क्लियर है। कौन सी छोड़ रहे हो, हम अपनी साइट का आइडिया छोड़ रहे हो, तो मुझे दो कौन सी जगह कुछ वहाँ तो हो ही नहीं रहा, 9 में हो नहीं रहा है, अभी कौन सी छोड़ रहे हो, 9 में अभी दो छोड़ बताएंगे फिर 11 में 11 हुए हैं। जो जी कह रहे हैं कमरिया घोसी, रियल बात तो जी नहीं भैया, हम पे मत से कह सकते हैं कि घोसी कमरिया वादी की जो चर्चा चला करती है वह उसका असर अनिल प्रताप के साथ है, साथ है, साथ है, क्यों कहाँ वहाँ पर प्रमुख रहे, वो विधायक रहे, घर है, संपर्क रिश्ते नाते हैं, इसलिए घोसी में सेंध लग के रहेगी, लग रही है। बोले हम एक लाख जीते कैसे, 5,000 तो जीती, लेकिन जीतना तो तय है, हरा नहीं कोई पाएगा। तेज प्रताप यादव, यहाँ के नेता क्या कर रहे, मंच पे भाषण देते हैं, जनता निजी आदमी से क्या कहते हैं, अनुदेश को देना, यहाँ करल विधानसभा के नेता है कुछ, सभा के नेता प्रतिष्ठित, हाँ सभा के, ये भी जनता जानती है भैया। उसमें कारण और है, उनका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है क्या नाम वो गिरोर, तो क्षेत्र का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा उनका, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जितना मानते उतना नहीं पड़ेगा, 10-20 हज़ार का ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा नहीं, 1,00,000 से जीतेंगे, 80,000 से जीतेंगे, लेकिन जीतना तय है। ये हमारे राष्ट्रीय सपा के 67,000 से जीते, SPC बघेल से,
जो कानून मंत्री केंद्र में है वो, और यहाँ तो लोग अक्सर ये कह देते हैं कि तेज प्रताप लोगों से बात भी नहीं करते, फोन में लगे रहते, न कुछ इस तरह की भी चर्चाएं चलती हैं जनता के बीच। हम लोग ये समझने आए थे कि मूड क्या है करेल का, थोड़ा सा। करेल तो मूड ये है, ये तो क्षेत्र नेताजी मुलायम सिंह का है, और हम लोगों का पूरा मूड यही है कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। ये नेताजी का क्षेत्र है, ये तो लोग सारे लोग फालतू में ही लोग घूम रहे हैं। नेताजी ने विकास किया है, हॉस्पिटल 500 बेड का भी नेताजी की देन है। जो कैंसर वाला हॉस्पिटल था जो उन्होंने ही बनवाया नेताजी ने, हम लोग मतलब ग्वालियर या आगरा लोग जाते थे, कोई मतलब नहीं। ये नेताजी का एक्सप्रे उन्हीं की देन है। जो हॉस्पिटल में जो मरीज हम लोग परेशान रहते थे, आगरा जाते थे, जो 1,000 रुपये में गाड़ी होती थी बुकिंग, वो 1 रुपये में एक पर्चा बनता है, ये नेताजी की देन है। परिवार की लड़ाई को मतलब करेल से बाहर आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, बाहर हर कोई देख रहा है कि अगर नेताजी की बात है तो दोनों ही वो लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से बड़े हुए, दोनों ने अपनी सियासत नेताजी से जरिए सीखी और दोनों की शायद राजनीति को बड़ा बनाने में नेताजी का योगदान भी रहा, चाहे हम तेजप्रताप जी की बात कर लें चाहे अनुजी जी की बात कर लें। फिर कैसे चुनेंगे जब दोनों एक ही से सीखे हैं? तो देखो, अब ये तो इनकी घर की परिवार की बात है, इनकी परिवार की बात है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ना इनकी चुनने वाला, क्योंकि आपको उनको चुनना है जिनको नेताजी की लाइन पर हैं, दोनों की लाइन वही है, दोनों उनका नाम सम्मान से लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो अलग, वो बीजेपी से है भाई, नेताजी का वो है, वो सांसद तेज प्रताप यादव जी हैं, वो तो समाजवादी पार्टी से भाई, वो परिवार के बेशक ने, वो तो परिवार की बात है ना। अब वो तो चीज वो बता सकते हैं, हम तो लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि हम लोग आने वाले समय पे 20 तारीख को साइकिल की बटन दबाएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ है? हम वाल्मीकि समाज से हैं। नाम डॉलर बाबू वाल्मीकि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।